नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम लोकसभा हाथरस में। हिंग की नगरी कही जाती है, काका हाथरसी की नगरी कही जाती है लोकसभा हाथरस। लोकसभा हाथरस का किस तरीके का मिजाज है, राजनीतिक समीकरण की अगर बात कही जाए तो यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा मैदान में छाप छोड़ दी है, जिसके बाद लगातार लोकसभा हाथरस के सियासी समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद राजवीर दिलेर यहाँ पर पहले सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अलीगढ़ के विधानसभा खैर के जो विधायक हैं अनूप वाल्मीकि और राजस्व मंत्री हैं, उन पर लोकसभा हाथरस में बड़ा दाव लगाया है। सांसदी का टिकट राजस्व मंत्री को दिया गया है, जिसके बाद लोकसभा हाथरस में सियासी दावपेच लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़ा रुख इख्तियार किया है। तो वहीं बसपा के द्वारा भी बड़ा रुख इख्तियार किया है। हेम बाबू सिंह धनगर बसपा प्रत्याशी को मैदान में उतारते हुए उनके द्वारा धनगर समाज को एकत्रित करते हुए सेंध लगाने की बड़ी कोशिश की है। तो साथ ही जसवीर सिंह वाल्मीकि समाजवादी पार्टी के यहां से प्रत्याशी हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा यहां पर किस तरीके का खेल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, हाथरस की जो जनता है, हाथरस की जो आवाम है, उनसे जानेंगे लोकसभा चुनावों को लेकर किस तरीके के मुद्दों को लेकर वो लगातार जो चुनाव में मैदान में नजर आएंगे, साथ ही किस तरीके के मुद्दे हैं जिनको लेकर वो वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लेखराज। तो क्या रहेगा आपकी बार, 24 के चुनाव नजदीक हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, कैसा होना चाहिए प्रत्याशी? अरे प्रत्याशी बढ़िया होना चाहिए, बस बढ़िया होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अब ये अब क्या बताएं, देखो समय के अनुसार होगा, कौन सा बढ़िया लगे अब इसको चुना जाएगा बस। किस तरीके की समस्याएं रहती हैं हाथरस में? अरे समस्या तो बहुत काफी है, अब क्या बताई जाए, समस्या तो बहुत है भैया। कैसे क्या बताई जाए, आप समस्या तो बहुत काफी है भैया, अब कोई किसी का समाधान तो नहीं होता, बस इतना ही कहना चाहते। समाधान नहीं होता है ऐसा यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है इस बात से वो परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है उनके मन की समस्या मन में ही हो। जो लोग जो है लगातार कैंपिंग कर रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी लगातार वोट मांगते हुए साफ तौर पर तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं, ये वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो लगातार जो है यहाँ वोट मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा मैदान में उतरने के बाद हाथरस लोकसभा के सियासी समीकरण लगातार बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। प्रत्याशी से बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल माहौर है और मैं ट्री चालक हूँ, और हमारी हाथरस की जनताओं ने मुझे चंदा दे करके खड़ा किया है। मैं अपनी हाथरस की जनता से बार बार नमन करूंगा, बार बार धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मुझे इस लायक समझा मेरी हाथरस की जनता ने कि मुझे इन इन मंत्रियों के साथ खड़ा किया, और मुझे इस लायक समझा कि मुझे हाथरस से सांसद प्रत्याशी के उस मौके में खड़ा किया है। इसलिए मैं अपनी हाथरसी की जनता की जो भी परेशानियां, आम जनता की जो भी परेशानियां हैं, बिजली की, नाली की, जल की, जो भी बिजली की जो भी समस्याएं हैं, अन समस्याओं में जनता के बीच खड़ा रह करके मुझे मैं लड़ूंगा और झगड़ूंगा अपनी जनता की समस्याओं को, और तहसील ले जाना है, पुलिस थाने ले जाना, जो भी अन समस्याएं हैं उन समस्याओं पर मुझे खरा उतरना है। ये बताइए क्या काम करते हैं आप, और ये जो राजनीति का जो मन है वो आपके दिमाग में कैसे आया, क्या काम करते हैं आप? मैं ट्री चलाता हूँ। ट्री चलाते हैं, हाँ। तो कैसे आपने सोचा कि राजनीति करनी चाहिए? मैंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मैं ट्री चालक हूँ, और ना ही मैं कभी सोच सकता हूँ कि इतना बड़ा मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ। मेरी हाथरस की जनता है, गरीबी जनता है, उन्होंने मुझे घर जा करके सपोज किया है कि इस लायक हो तुम के खड़े हो सकते हो और बोल सकते हो। क्या वो वजह देखी जनता ने जो आपको यह मैदान में उतारा है, क्या सोच कर मैदान में उतारा है? मेरी हाथरस की जनता ने मेरे से बहुत उम्मीद सोच रखी है, जैसे हमारा बागला हॉस्पिटल है जो इसमें सुरक्षा नहीं है कि कोई आम व्यक्ति अगर कोई परेशान हो जाता है या कोई बीमार हो जाता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है, रेफर आगरा के लिए कर दो, दिल्ली के लिए कर दो, तो वो गैल में ही ख़त्म हो जाता है। वो सुरक्षा मुझे लानी है, मुझे लड़ना है अपनी हाथरस की जनता के योग्य में। जो लगातार जो समाजवादी पार्टी की अगर बात कही जाए, जसवीर वाल्मीकि मैदान में, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए तो अनूप वाल्मीकि जो राजस्व मंत्री है वो मैदान में, बसपा की अगर बात कही जाए तो हेम बाबू सिंह धनगर मैदान में, तो क्या कहेंगे आप, कहाँ के रहने वाले हैं और ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब भारी प्रत्याशी हैं और मैं हाथ रखा नोकल प्रत्याशी हूँ। मैं इनके बीच रह करके इनकी परेशानी को, छोटी छोटी समस्याओं को समझ सकता हूँ। जैसे कोई भी
अगर किसी को जैसे बिजली के नाम पर लोग भाग दलाली उजागर करते हैं उसको मैं बंद कराऊंगा। जैसे बिजली के जे आन व्यक्ति की परेशानी जे गरीबी एक समझ सकता है कि जे हाथरस की कितनी परेशानियां हैं, उन समस्याओं को मैं खरा उतरूंगा और इन जनता के लिए लड़ूंगा और झगड़ूंगा। ये बताइए, जैसे आपने समस्याएं बताई, हाथरस की अगर बात कही जाए, जैसे लगातार नेता जो मैदान में आते हैं तरह तरह की बातें करते हैं, तमाम तरह के वादे करते हैं, तो क्या लगता है वो वादे पूरे हो पाते हैं? नहीं, वो लोग 25-25 करोड़ में सीट लेकर के आते हैं, वो अपनी जेब भरते हैं और जो जनता की परेशानी नहीं समझते, यहाँ से जीत करके चले जाते हैं। वो लोग यहाँ से जीत करके चले जाते हैं। यहाँ की जनता जब तक पता पड़ती है कि हमारा सांसद आगरा से आया है, जब तक उनकी खोज करी जाती है, जब तक सांसद ही खत्म हो जाती है। ये बताइए इसमें क्या है, इसमें मेरी आम जनता ने, हाथरस की जनता ने मुझे चंदा दिया है। ये तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो आवाम है, जो हाथरस की जनता है, उनसे ये चंदा मांग रहे हैं। तो किस तरीके से चंदा मांग रहे हैं? मैं चंदा पैर छू करके, झुक करके और सभी से नमन करके, मैं जयपाल महावर ट्री वाला चालक हूँ, सांसद प्रत्याशी हूँ, और मुझे सपोज करो, वोट दो और थोड़े से नोट दो, चाहे 1 रुपया दो चाहे 2 रुपया दो, क्योंकि मुझे इन्हीं पैसों से लड़ना है। शायद मैं गरीब हूँ, उन छोटी 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 समस्याओं को समझ सकता हूँ कि मेरे हाथरस की जनता की कितनी परेशानियां हैं। आम जो पैसे वाले नेता है वो नहीं समझ सकते हैं। तो किस तरीके का जो प्यार है वो आप लोगों को मिल रहा है लोकसभा हाथरस में? बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत लोग सपोज कर रहे हैं, बहुत लोग पैसे दे रहे हैं। अगर राष्ट्रीय सर्व परिषद दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज दवरिया जी मेरे साथ मौजूद हैं, तमाम वो अन्य दल हैं जो राष्ट्रीय सर्व परिषद दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा मिलजुल कर इन प्रत्याशी को यहाँ की जनता के द्वारा खड़ा किया है। राष्ट्रीय सर्व परिषद दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते हैं, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, कैसा होने वाला है? पहले तो आपका धन्यवाद के आज के दौर में जहाँ मीडिया बिकाऊ है, वहाँ आप जैसे लोग ऐसे प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं, इसके लिए हाथरस की जनता की तरफ से मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और नंबर दूसरा कि यहाँ पर हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम चुनाव लड़ाएं, परंतु यहाँ की स्थितियाँ हमने देखी कि बाहरी प्रत्याशियों को खरीद फरोख्त करके यहाँ की जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ हैं या सत्ताधारी पार्टियाँ हैं, उन्होंने यहाँ पर थोप दिया और हाथरस की जनता का अपमान किया। क्या एक भी किसी भी पार्टी को अपना कोई कार्यकर्ता इतना निष्ठावान नहीं लगा कि उस एससी के कार्यकर्ता को सांसद के लिए प्रत्याशी बनाया जाता? हमें बड़ा कष्ट हुआ। हाथरस की लगभग 500 लोगों ने हमसे निवेदन किया कि भैया अब हमें खड़ा होना चाहिए, लगभग 40 से 50 वर्षों से हमारा निराधार और अपना अपमान हो रहा है, यह हमें गुलाम समझ रहे हैं। तब यहाँ के हमने संगठनों को बुलाया, जिसमें राष्ट्रवादी क्रांतिकारी सेना, ब्राह्मण एकता परिषद, परशुराम सेना और हमारा संगठन, और क्षत्रिय महासभा के भी कुछ लोग हैं, वैश्य महासभा के भी कुछ लोग हैं, माहौर महासभा के भी कुछ लोग हैं। इन लोगों ने एकत्रित होकर हमने 500 लोगों की पंचायत की, जिसमें 10 लोगों को सार्वजनिक रूप से साक्षात्कार दिलाया, जिसमें से इस व्यक्ति को पसंद किया गया और अब इसको हम चंदा देकर सहयोग करके प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़ा रहे हैं। आपने ये पूरे प्रत्याशी का प्री प्लान किया, तमाम तरह के लोग आपके पास आए होंगे, तो क्या चल रहा है हाथरस की राजनीति में? देखिए, हाथरस की राजनीति में जो छोटा तबका है और हाथरस की जनता का मूड है कि अब की बार पार्टियों को ठिकाने लगाना है, पैसे वालों को ठिकाने लगाना है, इनकी अकल ठिकाने लगानी है कि हाथरस को ये गुलाम समझते हैं। अब आदमी इस व्यक्ति को चंदा भी दे रहा है, फोन कर करके स्वागत के लिए भी बुला रहा है, और ये व्यक्ति जीत की ओर है। एक गरीब ट्रिली वाला, रिक्शे वाला हाथरस से सांसद जीत कर जाएगा, सांसद बन कर जाएगा। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कही जाए तो 400 पार का वो नारा दे रहे हैं, यूपी के 80 में से 80 सीटें जीतने की वो बातें कर रहे हैं, तो फिर ये चुनावी समीकरण जो कैसे बनेंगे? देखिए, हमें ना भाजपा से मतलब है, ना हमें सपा से मतलब है, ना हमें बसपा से मतलब है, ना हमें 400 से मतलब है, हमें केवल और केवल हाथरस से मतलब है, हमारी हाथरस की सीट से मतलब है। भारी प्रत्याशी यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा लोकल का प्रत्याशी। अगर किसी भी पार्टी का लोकल प्रत्याशी होता, हम उसको तन मन धन से सपोर्ट करते, लेकिन हमारी जनता का अपमान हो रहा है, इसलिए हम इस गरीब टिर्री वाले को चंदा देकर लड़ा रहे हैं। ये बताइए पंकज जी, क्या अभी अब तक जो है इतने दिन हो गए, मतलब यानी कि 4 से 5 दिन हो गए हैं प्रत्याशी को मैदान में आए, तो क्या राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आपसे कोई संपर्क किया गया? जी, अभी 2 दिन हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए, जहां पर 500 से 700 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां बड़े बड़े दलों के पास भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है, वहां इस व्यक्ति के समर्थन में 500 से 700 लोग आए
और हाथरस में प्रत्येक बाजार में प्रत्येक क्षेत्र में बुलाया जा रहा है, और हमसे कुछ नेता बोल रहे हैं कि तुमने दो कौड़ी के व्यक्ति को खड़ा कर दिया है। ये उस व्यक्ति को दो कौड़ी का बता रहे हैं क्योंकि वो रिक्शा चलाता है, लेकिन वोट मांगने के लिए इन्हीं दो कौड़ी के लोगों के पैर पूजे जाते हैं, इनको दलित बोला जाता है, दलित नाम की राजनीति की जाती है, लेकिन आज ये टिर्री वाला माहौर समाज का दलित प्रत्याशी इनकी आंखों में चुभ रहा है, क्योंकि ये हाथरस को जिताने के लिए निकला है और अब हाथरस जीत कर रहेगा। तो किस तरीके के आपके द्वारा जो मुद्दे हैं, मैनिफेस्टो क्या रहेगा? देखिए, मैनिफेस्टो सबसे पहली बात कि यहाँ की छोटी छोटी जन समस्याएं हैं जिनको बाहरी प्रत्याशी कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उनको न यहाँ गलियों की पता, न यहाँ बाजारों की पता, न यहाँ की पीड़ा की पता। लेकिन यह व्यक्ति लोकल का है, इसके साथ यहाँ पर जितने संगठन हैं वह हैं, हमें भी जन समस्या पता है। यहाँ सड़क ले लो, नाली ले लो, बिजली ले लो, यहाँ पर व्यापारियों पर भी कर के नाम पर शोषण किया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है, थाने ले लो, हर चीज के लिए धरने तो नहीं किए जा सकते, उसके लिए कहीं ना कहीं एक जो समाज का प्रतिनिधि है उसकी आवश्यकता होती है। अब उसके लिए आगरा, दिल्ली, लखनऊ तो हम जाएंगे नहीं, ये लोकल का जब व्यक्ति साथ होगा तो प्रशासन में बैठे हुए, शासन में बैठे हुए लोग समाज की पीड़ाओं को समझेंगे और हमें उम्मीद है कि उनका समाधान भी होगा। ये बताइए पंकज जी, हाथरस की अगर बात कही जाए तो हाथरस हींग की नगरी कहा जाता है, काका हाथरसी की नगरी कहा जाता है, इतना लंबा बड़ा व्यापार है यहाँ का मसालों का, लेकिन हाथरस को वो पहचान अभी तक नहीं पाई, ऐसी उसके पीछे की वजह क्या है? हाथरस को राजनीतिक दलों ने अब तक चूसा है, अपमानित किया है, चौथ वसूली कराई है, फैक्ट्रियां बंद कराई हैं, कंपनियां बंद कराई हैं, अतिक्रमण किए हैं, लेकिन अगर हम विश्वास दिलाते हैं, हाथरस की जनता अगर इसको विजयी बना के भेजती है तो हाथरस के अंदर औद्योगिक क्षेत्र बुलाए जाएंगे, कारखाने बुलाए जाएंगे जो पहले थे, और हाथरस को औद्योगिक क्षेत्र का उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान दिलाएंगे। हाथरस में बच्चों की तैयारी के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, उस स्टेडियम का निर्माण कराएंगे। बच्चों के लिए यहाँ पर कोई भी ऐसी विशेषता नहीं है कि यहाँ पर कोई पढ़ाई के लिए कोई बड़ा विश्वविद्यालय, उसका निर्माण कराएंगे। यहाँ पर बहुत सारी जन समस्याएं हैं जिनको इग्नोर किया जाता है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी पार्टियों से खरीद फरोख्त करके टिकट लेके आते हैं। ये थे पंकज दवरिया जी, जिनके द्वारा साफ तौर पर हाथरस लोकसभा में विकास की बातें कही हैं। राष्ट्रीय परिषद दल के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तमाम तरह के जो वादे हैं जो प्रत्याशी आते हैं वो करने के बाद सीधे चले आते हैं, लेकिन जो लोकल प्रत्याशी है यानी कि टिर्री वाले जो प्रत्याशी हैं, अगर जनता उनको मौका देगी तो उनके द्वारा एक बड़ा जो है भरोसा जताते हुए जनता के वादों को पूरा किया जाए। कुछ और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? उमेश चंद नाम है आपका। हाँ, तो जो प्रत्याशी है निर्दलीय प्रत्याशी उनको लेकर क्या कहेंगे, और जो अन्य प्रत्याशी है उनको लेकर क्या कहेंगे? भैया ऐसा है, हम मजदूर आदमी है, पटरी चला के पेट अपना अपने बच्चों का पेट पालन पोषण कर रहे हैं, और रही प्रत्याशी की बात तो यहाँ से तो जयपाल माहौरी जीतेंगे और उनको हमने सपोर्ट किया है, और हमारी एक यूनियन चल रही है जिसमें कम से कम 5,000 से ज़्यादा टिरी चालक हैं, और वो सब पूरी टिरी यूनियन हमारी विजय माहौर का सपोर्ट कर रही है, और विजय माहौर को जिताएंगे, जयपाल माहौर को जिताएंगे। और यहाँ तो बाहर के प्रत्याशी आते हैं, जीत के चले जाते हैं, फिर जब तक उनका कार्यकाल रहता है तब तक शकल नहीं दिखाते यहाँ पर। अभी एक इलेक्शन हुआ था चेयरमैन का, उसमें भी गली गली में देखिए पानी भर जाता है, बरसात ने बरसात हो जाए, टंकी नल की चिचा जाए तो गली के गली भर जाती हैं। सफाई के नाम पर कोई ना सफाई है ना कोई कार्य है। अब हमारा ये प्रत्याशी है, ये गरीब प्रत्याशी है, और इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं और हमारे साथी है, और जहाँ तक है हम ये हमारा प्रत्याशी हम सबके बीच में रहेगा, और ये हमारा सबका सब पूरे हाथरस का विकास कराएगा। विकास कराने की बात कही जा रही है, यानी कि जो यहाँ की जो जनता है आवाम है साफ तौर पर विकास की बात कर रही है। कुछ और भी लोग हैं उनसे जानेंगे, क्या नाम है तुम्हारा? महेश। महेश जी कैसा प्रत्याशी होना चाहिए सांसद जी का? बढ़िया। अच्छा, बढ़िया प्रत्याशी होना चाहिए? हाँ, एकदम बढ़िया। चोटें नहीं होना चाहिए, ये ऐसा इनका कहना है। यानी कि कुछ और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जो प्रत्याशी की मांग लगातार चल रही है वो कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, और जनता की किस तरीके की बातों को पूरे करने वाला जो प्रत्याशी होना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे, क्या कहेंगे? ये बुजुर्ग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या हाथरस की जो चुनावी चर्चा है उसमें क्या कुछ चल रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या कर रहे हैं भैया? मैं तो चाय बना रहा हूँ। चाय बना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी चाय बना देते, क्या कहेंगे? चुनाव कैसा चला है हाथरस में? हाथरस के जो प्रत्याशी हैं वो बाहर के हैं, लोकल नहीं खड़ा किया है, तो जितने भी हैं। कैसा होना चाहिए प्रत्याशी? लोकल होना चाहिए यहाँ का, जिसके पास जा सकें, समस्या सुना सकें,
गया है। किस तरह की समस्या है यहाँ? समस्या तो बहुत होती है, अब कोई छोटी मोटी समस्या क्या बड़ी होगी, उसके लिए भी बाहर जाना पड़ता है, उससे बढ़िया तो अपने हाथस का होना चाहिए ना। हाथस का भी कैसे? साफ तौर पर चाय वाले भैया हैं, उनका कहना है लोकल प्रत्याशी हाथस में होना चाहिए। ताऊ जी मेरे साथ मौजूद है। ताऊ जी क्या नाम है आपका? बीपी शर्मा मेरा नाम है, मैं रिटायर प्रिंसिपल हूँ भैया, 12 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। बहुत चुनाव देखे मैंने, कराए काफी चुनाव आपने देखे? अरे मैंने देखे नहीं, कराए भैया, मैं सक्रिय रहा हूँ। सक्रिय हाथस की राजनीति में क्या चल रहा है? अब क्या कहेंगे भैया, हम तो हमारा तो उसमें कफन में वो है पैर, अब क्या है, अब तो हम तो राजनीति से बाहर है, आप लोगों के ऊपर है। नवयुवक जो देखेंगे देश की क्या हालत हो रही है। आपके सामने आपने तमाम तरीके के चुनाव कराए, तो पहले की राजनीति और अब की राजनीति में कितना सिद्धांतहीनता है? पहले सिद्धांत था आदमी का, अब सिद्धांतहीनता है। अब आदमी कहता कुछ है करता कुछ है, सुनिए, और गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है इस गवर्नमेंट में, और तुम देख रहे हो भैया क्या हो रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट में रोजगार बेरोजगार हो रहे हैं, मतलब जो है नवयुवक बेरोजगारी फैल रही है। सरकार विकास की बातें करती है, रोजगार देने की बात, करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है, करनी और कथनी में बेटा बहुत अंतर होता है। इस गवर्नमेंट की करनी कुछ है और कथनी कुछ है, कहते कुछ है करते कुछ है। हाथरस में जो लोकसभा में तीनों प्रत्याशी उतारे गए हैं, समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, वो प्रत्याशी बाहर के आरोप लग रहे हैं। तो उब गए हम लोग, अब कोई नया चाहते, नया चेहरा जो है, नया चेहरा आना चाहिए, मतलब ये लोग तो मतलब वही चट्टे बट्टे हैं एक ही थैली के, उनका उनका क्या कहना उनका जो है। अभी एक प्रत्याशी जो टिर्री वाले जो यहाँ प्रचार जो कर रहे थे, भाई नया होगा तो कुछ करेगा, नया होगा जनता के लिए करेगा, सोचेगा कुछ करेगा, इसलिए नए नए को लाओ, नए प्रत्याशी चाहिए, नया लाओ, बिल्कुल छोड़ो इन पार्टी वालों के, उनको जो है। साफ तौर पर यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, रिटायर प्रिंसिपल हैं, उनका कहना है जो समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम तरह के प्रत्याशी आए लेकिन विकास कार्य नहीं हुए, यही कारण है जनता नाराज है और नए प्रत्याशी की मांग लगातार की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कप्तान सिंह है। वोट पहले किया है आपने? नहीं, मेरा इसी बार वोट आया, पहला वोट है। क्या कहना चाहिए, कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं आप? हमारा तो लोकल का प्रत्याशी होना चाहिए, लोकल का प्रत्याशी। वजह यही है, आप देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जगह पर है, और राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक, केंद्र सरकार से लेकर नगर पालिका तक सारी सरकार बीजेपी की है। सब आप देख सकते हो विकास की क्या डोर है, आप देख सकते हो कितने सारे वो हुए पेपर हुए, पेपर लीक कराए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या है? इससे पहले भी तो भर्तियां होती थी, इससे पहले तो पेपर लीक नहीं होते थे। विकास हुए नहीं, कहाँ हुए विकास? कोई विकास नहीं, गली गली में पानी भर रहा है, जन समस्या है, थाने में जाओ चौथ वसूली होती है, तहसील जाओ तो चौथ वसूली होती है। कुछ और लोग हैं, युवा वोटर का साफ तौर पर कहना है स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए, उनसे ही माहौल बनाया जा सकता है। क्या नाम है आपका? गौरव उपाध्याय। गौरव जी ये बताइए कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? देखो हाथरस में तो लोकल प्रत्याशी चाहिए, जहां 32 साल से भारी प्रत्याशी का राज रहा है, जो भी आप यहां नया चेहरा चाहिए, कैसा होना चाहिए प्रत्याशी? जी लोकल का होना चाहिए, जो भी पार्टी ला रही है सारे बाहर से ला रही है, जो भी आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं, यहाँ की जनता ने, हाथरस जनता ने, पूरी जनता ने, यहाँ पे लगभग 700-800 लोगों ने यहाँ पे एक निर्दलीय प्रत्याशी उतारा है, यहाँ पे अभी टिर्री वाला तो सपोर्ट उसी को, हमारा टिर्री वाले को सपोर्ट है, साफ तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट है। क्या नाम है आपका? दिनेश राम। दिनेश जी ये बताइए कैसा प्रत्याशी होना चाहिए हाथरस में? लोकल होना चाहिए, शहर का, जो शहर में कम से कम कोई अगर रात को जरूरत पड़ेगी, क्या बाहर जाओगे आप, क्या करोगे? और प्रत्याशी कहाँ के हैं? सब बाहर के हैं, सब अलीगढ़ का, कोई आगरा का, कोई कहीं का, कोई। साफ तौर पर बाहरी प्रत्याशियों को सपोर्ट न करने की यहाँ की जनता के द्वारा बात की जा रही है। ये हाथरस है, लोकसभा हाथरस के दो विधानसभा जिला अलीगढ़ में पड़ती है, 7 लाख से ज्यादा वोटर जिला अलीगढ़ के रहने वाले होते हैं, लेकिन वोट लोकसभा हाथरस के प्रत्याशी के लिए करते हैं। हाथरस लोकसभा में बदलाव के समीकरण किस तरीके से नजर आएंगे, ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। चुनाव का समय नजदीक है, सभी के द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हाथरस लोकसभा की बात कही जाए तो हाथरस लोकसभा में समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, इन तीनों प्रत्याशियों का समीकरण बिगाड़ने के लिए टिर्री वाला नाम का एक प्रत्याशी मैदान में उतर चुका है, यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी जो कभी भी किसी का भी खेल बिगाड़ सकता है। उसकी वजह है जो हाथरस की जनता है वो
अन्य प्रत्याशियों से उब चुकी है। जनता से हमने बातचीत की, एबीपी लाइव की टीम के द्वारा पड़ताल की गई, उसमें साफ तौर पर जनता का कहना है 30 वर्षों से ज्यादा हो गए बाहर के प्रत्याशी को हाथरस लोकसभा में चुनाव लड़ाया जाता है, जिसके कारण हाथरस की लोकसभा की जो जनता है वो परेशान है। लोकल मुद्दों पर राजनीति नहीं की जाती, बाहर के मुद्दे यहाँ लाकर खड़े कर दिए जाते हैं। लोकसभा हाथरस में अगर बात कही जाए तो हिंग की नगरी और काका हाथरसी की नगरी के नाम से हाथरस लोकसभा की पहचान होती है, लेकिन ये जिला आज भी उत्तर प्रदेश में दबे हुए जिलों में शुमार किया जाता है। बड़ी पहचान हाथरस लोकसभा को अभी तक नहीं मिल पाई है। आने वाले समय में कौन सत्ता की चाबी हासिल कर पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एबीपी लाइव से खालिक अंसारी, हाथरस।